वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चंद्रपुर शहर में सुप्रिया सुले का किया गया स्वागत, गिरनार चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को किया अभिवादन। तीन राज्यों की सीमा में बसे आदिवासियों की दुर्दशा, वंचित आदिवासियों ने लगाई राजमाता से गुहार। और शादी का झांसा देकर एक व्यक्ति करता रहा दुष्कर्म, फेसबुक पर दोस्ती कर फंसाया था प्रेम जाल में। अब खबरें विस्तार से। राकांपा नेता सुप्रिया सुले चंद्रपुर पहुंच गई है, जहां उनका उत्साह के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने सबसे पहले गिरनार चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अभिवादन और महाराजा की छवि को नमन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में राकांपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस समय महाराज की जय जयकार भी की गई। अर्थात खूब गंभीर आरोप है, मला असं वाटतं, माझा विश्वास आहे की माननीय उद्धव जी, माननीय दादा आणि बाळासाहेब थोरात जरूर त्याची नोंद घेऊन त्याच्यातून जी काय खरं आहे ते खरं पुढे येईल। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना मुंबई को डुबाना चाहती है, इसलिए शिवसेना को सत्ता से निकालना जरूरी है। तो वही आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि शिवसेना बाला साहब के प्रयोग को विफल करने में जुटी है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का कहना है कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव में RPI को 35 से 36 सीटें मिलनी चाहिए, तो वही 18 से 20 सीटें जीतने का हमारा प्रयत्न है। मुंबई महानगर पालिका शिवसेना से छीनने का हम प्रयत्न करेंगे। मुंबई के विकास को शिवसेना दुर्लक्षित कर रही है, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में मुंबई पानी में डूब जाती है। मुंबई को डुबाने का प्रयत्न शिवसेना कर रही है, इसलिए शिवसेना को सत्ता से निकालना जरूरी है। शिवसेना जाति के आधार पर राजनीति करती है, इसलिए यशवंत जाधव को 4 बार स्थायी समिति सभापति दिया गया, लेकिन बौद्ध होने की वजह से महापौर पद का मौका नहीं दिया गया। बौद्ध समाज को नीचा दिखाने का प्रयत्न शिवसेना की ओर से हमेशा किया गया है। फिलहाल यशवंत जाधव की जांच जारी है, उन्होंने उनकी बात रखी, लेकिन यशवंत जाधव का साथ देने के लिए शिवसेना तैयार नहीं है। अनिल परब का साथ दिया जाता है, लेकिन यशवंत जाधव का नहीं। बाला साहेब के प्रयोग शिव शक्ति भीम शक्ति को मिट्टी में मिलाने का काम शिवसेना कर रही है। राज्यसभा की 6वीं जगह भाजपा को मिलनी चाहिए, हमारे पास 32 वोट है, हमें सिर्फ 10 वोटों की आवश्यकता है, इसलिए 6वीं जगह जीतने का हमारा प्रयत्न जारी है। महाविकास आघाड़ी का प्रस्ताव नामंजूर करने पर देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त करता हूं, ऐसी बात केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कही। बाइट आणि आपल्याला माहित आहे की 10 तारखेला राज्यसभेच्या 6 जागांसाठी निवडणूक होत आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 उमेदवार ऑटोमॅटिकली BJP निवडून येणारच आहेत। 1 जागा शिवसेनेची, 1 जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि 1 जागा काँग्रेसची निवडून येणारच आहे। आमच्याकडे जवळजवळ 32 मतं आहेत आणि आम्हाला 10 मतांची आवश्यकता आहे, त्यामुळे आमचा प्रयत्न सुरू आहे की तिसरी जागा जी आहे, तिसरी जागा BJP निवडून आलीच पाहिजे। धनंजय महाडिक यांना तिकीट देण्यात आलेलं आहे आणि 6वी जागा जी आहे ती निवडून आणण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे। महाविकास आघाडीने प्रयत्न केला की ते देवेंद्र फडणवीस यांना ती जाऊन भेटले आणि आपण उमेदवारी माघारी घ्या आणि 1 जागा तुम्हाला विधान परिषद देतो। नागपुर के यशोधरा थाना अंतर्गत परिसर में 3 जून को रात को करीब 11 बजे रविंद्र महादेव पराते अपनी मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। इंदिरा माता नगर के एक कोने पे सामने से आने वाले एक वाहन चालक का कट लगने की वजह से उन दोनों में विवाद हो गया। उस विवाद के चलते आरोपी इरफान पठान ने रविंद्र पराते पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर जख्मी कर दिया। पुलिस ने रविंद्र पराते के भाई प्रवीण पराते की शिकायत पर गुनाह दर्ज किया है और आरोपी इरफान पठान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 3/7/2022 रोजी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास रवींद्र महादेव पराते हे मोटरसायकलवरून घरी जात होते। इंद्रामाता नगर च्या एका कॉर्नरला त्यांची समोर येणाऱ्या अनोळखी इसमाशी कट लागला, त्याच्यातून त्यांचा वाद झाला। त्या वादाच्या रूपांतरामधून जखमी रवींद्र पराते यास इरफान पठाण या आरोपीने चाकूने त्यांना गंभीर दुखापत केलेली होती। नमूद रवींद्र पराते
यांचा भाऊ प्रवीण पराते यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंद केलेला आहे आणि गुन्ह्यातील आरोपी इरफान पठाण यास अटक केलेली आहे. जखमी आणि फिर्यादी यांच्या विरुद्ध काय गुन्हे काय दाखल नाही आहेत. केंद्र शासन आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे है किंतु तीन राज्यों की सीमा में बसे मुकुरडोह डंडारी आदिवासी अति संवेदनशील क्षेत्र की दुर्दशा में अनेक योजना ठंडी होने से आदिवासी भूखमरी की कगार पर दिखाई दे रहे हैं. चार वर्ष पूर्व रोड बना किंतु पूर्व पत्थरों पगडंडी के रास्तों से 18 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था. विकास से वंचित आदिवासियों ने राजमाता से गुहार लगाई. गोंदिया महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा में अति दुर्गम जहां भोले भाले गरीब आदिवासी 70 वर्षों से शासन की अनेक योजना आती ही नहीं. एक तरफ अमृत महोत्सव तो दूसरी तरफ डंडारी ग्राम में 1984 से 18 वर्षों से तालाब से होने वाली सिंचन योजना जिससे सैकड़ों किसान के खेत के लिए पानी मिलता है वह अभी तक नहीं मिली. जिससे आर्थिक स्थिति ठीक होती लेकिन अब कागजों तक सिमट कर रह गई. यहाँ की गरीब जनता से निवेदन देने पर चुनाव के समय झूठे वादे कर भोले आदिवासियों को वोट की मांग की जाती है लेकिन वास्तविकता में आदिवासी क्षेत्र के नागरिक योजना हेतु तड़पते नजर आ रहे हैं. यह उल्लेखनीय है. 1984 से जो लापा तालाब है शुरू हुई थी उसके पहले आज भी बंद पड़ी है. उसको 150 से 200 किसानों को पानी का आपासी हो सकती है परंतु शासन प्रशासन और पॉलिटिक्स वालों ने उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं. हमने कलेक्टर महोदय को कई बार लेटर जारी किए हैं उसके बाद ऑफिस वालों को भी जारी किए हैं परंतु किसी ने ध्यान नहीं दे रहा है जिससे हमको पानी के वंचित होना पड़ता है. और हमारे यहाँ दवाखाना अति आवश्यक है क्योंकि डिलीवरी बॉय को यहाँ से साले का साथ दरे का साथ ले जाना पड़ता है. वक्त पड़े तो गोंदिया भी ले जाना पड़ता है जिससे हम लोग तकलीफ में आ जाते हैं. पैसा उसी में लग जाता है क्योंकि हमारे यहाँ काम का अभाव बहुत कमी है. हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है. MA BEd वाले भी बच्चे हैं. शिक्षा भी यहाँ मुद्दामज बंद है. फिलहाल 10 साल हो चुका है जबकि यहाँ के बच्चों को रोजगारी मिलना चाहिए. शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दे रही है. ऊपर से नेता लोगों ने ध्यान नहीं दे रही है. और अपने यहाँ मनरेगा का जो काम चलता है वो अंतिम में जनवरी फरवरी तक शुरू करते हैं जिससे उसका रोजी 150 से 250 तक दिया जाता है. यहाँ सबसे पहला समस्या तो यही है और लोगों की मांग है कि लोगों ने हमें आवेदन दिए हैं और लोगों ने मांग क्या रखे हैं कि सबसे पहले इनकी स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान देते हुए यहाँ दवाखाना बहुत ज़रूरी है. और दूसरी मांग वही है इन लोगों का कि यहाँ के जो स्कूल है 1984 से स्कूल बंद है. यहाँ स्कूल बंद होने के कारण से यहाँ के बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह जाते हैं. आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं इसलिए यहाँ स्कूल होना और स्कूल बंद स्कूल को खोलना बहुत ज़रूरी है. और तीसरा मांग यही है कि यहाँ पानी की जो तालाब जो है तालाब 1984 से तालाब यहाँ का बंद है. ना तो तालाब में पानी है ना तो तालाब में कोई अन्य व्यवस्था नहीं है कि तालाब को सुधारा जा सके ताकि जो जानवर हैं गाय बैल ढोर जो भी हैं इनको पानी पीने का भी व्यवस्था नहीं है. इसलिए तालाब का भी मरम्मत किया जाए तालाब को भी सुधारा जा सकता है. VKB न्यूज के लिए सतीश पारदी की रिपोर्ट. सोमवार को नागपुर के बरडी पुलिस थाना अंतर्गत मोरभवन बस स्टैंड पर चोरी का मामला सामने आया है. 39 वर्षीय वादी मंजूश्री राकेश भांते बाजार गांव नागपुर की रहने वाली है. इनके बैग से 2,40,000 का मुद्देमाल चोरी हुआ है. इस मामले में पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया है और आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है. पहले एक अपने बर्डी पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 221/22 कलम 379 भादवी के अनुसंगान में एक अपराध दाखिल हुआ है. उसमें से फिरियादी है मंजूश्री राकेश बांते उम्र 39 साल या उनका प्रॉपर बाजारगांव नागपुर के रहने वाले हैं. वो कल मोरभवन बस स्टैंड से उनके अपने मूल गाँव जा रहे थे तो उसी वक्त उनकी पर्स की चेन उनको खुली दिखी तो उसमें से उन्होंने चेक किया तो उसमें से उनका 27,000 का रोक रकम और सोना ऐसा मिला के 2,40,000 का माल चोरी होने के उनको पता चला. तो उसके बाद उन्होंने आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी है. आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू. सोशल मीडिया के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी है. ऐसा ही एक केस जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत परिसर में सामने आया है. फेसबुक पर दोस्ती कर प्रेम जाल में फंसा कर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध प्रस्थापित करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर गुनाह दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है.
जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाली 34 वर्षीय महिला ने 32 वर्षीय विवेक सुखदेव फाले नामक व्यक्ति के नाम पर रेप की शिकायत दर्ज की है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला और आरोपी एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। वर्ष 2014 में आरोपी और पीड़िता में फेसबुक द्वारा दोस्ती हुई। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और दोस्ती का रूपांतरण प्रेम संबंध में हो गया। बात आगे बढ़कर वर्ष 2019 में दोनों की सगाई भी हुई। उसके बाद शादी का झांसा देकर आरोपी ने पीड़िता से कई बार दुष्कर्म किया, लेकिन शादी की बात करने पर वो बात टाल देता था। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता को अंधेरे में रखकर दूसरी शादी भी कर ली, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। आरोपी के खिलाफ कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला है। जरीपटका पुलिस स्टेशन हद्दीत राहणारी 34 वर्षीय पीड़िता हिच्यावर आरोपी नामे विवेक सुखदेव फाले व 32 वर्षीय राहणारी इंदिरा नगर जरीपटका नागपूर याने सन 2014 फेसबुक द्वारे यांची ओळख झाली, त्याचं प्रेमात रूपांतर झाले। नंतर त्यांचा 2019 साक्षगंध झाला आणि साक्षगंधानंतर यातील आरोपी याने पीडितेशी वारंवार शारीरिक संबंध केले, लग्नाचा आमिष दाखवून लग्न करण्या परंतु लग्न करण्यास यातील आरोपी हा टाळाटाळ करत होता आणि नंतर यातील आरोपीने दुसरे लग्न केल्याने पीडितेने जरीपटका पोलीस स्टेशन येथे दिलेल्या तक्रारीवरून यातील आरोपी याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। यातील आरोपी याच्यावर पूर्वीचे गुन्हे दाखल नाहीत, परंतु 2014 यांनी फेसबुकद्वारे यांची ओळख झाली पीडितेची आणि आरोपीचे, आणि 2019 यांनी सर्व नातेवाईकांच्या उपस्थितीमध्ये लग्न करण्यासंबंधी साक्षगंध केला। साक्षगंध झाला असल्याने पीडितेचा विश्वास संपादन करून यातील आरोपीने लग्न करायचे असे कारण सांगून वेळोवेळी शारीरिक संबंध केलेला आहे। बीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नागपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार, नए उद्यमी और बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय स्तर की बिक्री प्रदर्शनी का आयोजन आज किया गया। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन जिला परिषद की जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मनकापुर संभागीय खेल परिसर में किया गया। यहाँ नागपुर मंडल के 150 से अधिक स्वयं सहायता समूह के उत्पादकों के स्टॉल लगाए गए। नागपुर के विभागीय स्तर के सरस मेले में 3 तारीखों को 17 लाख रुपए, जबकि शनिवार को 22 लाख रुपए में बिका। यहाँ रविवार देर शाम तक नागपुर के लोगों की भीड़ लगी रही।
इसीलिए तीसरे दिन भी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की जमकर बिक्री हुई। रविवार की शाम तेजस्वी प्रधान का कार्यक्रम सक्रिय रहा। जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र ठाकरे, कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, पुलिस आयुक्त विजय मगर, उपाध्यक्ष सुमित्रा कुंभारे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमल किशोर फुटाने, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की परियोजना निदेशक विवेक इलमे ने स्टॉल धारकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस वर्ष का सरस मेला एक उल्लेखनीय कार्यक्रम था, जिसमें 12,000 से अधिक महिलाएं राष्ट्र स्तर के गाइडों में भाग ले रही थी और सुन रही थी। इस उत्साह को देखते हुए पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री सुनील केदार ने जिला परिषद के माध्यम से जिला एवं तालुका स्तर पर स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए बिक्री आउटलेट शुरू करने की घोषणा की है। इससे महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। संरक्षक मंत्री डॉ. नितिन राउत ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए स्थायी बिक्री व्यवस्था करने पर भी जोर दिया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। कामठे में अगले कुछ दिनों में ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा को लेकर प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। आज 2011 की जनगणना के अनुसार कामठी तालुका के 27 ग्राम पंचायतों में आरक्षण की घोषणा की गई। इस माह की 9 तारीख को सूची प्रकाशित की जाएगी। आपत्तियां 13 जून तक ली जाएंगी और 16 को उठाई गई आपत्ति पर जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा सुनवाई की जाएगी, जबकि अंतिम आरक्षण सूची 21 जून को प्रकाशित की जाएगी। इसीलिए 27 ग्राम पंचायत आए तहसील कार्यालय के अधिकारियों ने ग्राम पंचायत में जाकर आरक्षण की घोषणा की। आज एकूण 27 ग्राम पंचायतीच्या आरक्षणाची सोडत या ठिकाणी तालुक्यामध्ये चालवलेले काही ठिकाणी काम चालू पण आहे अजूनपर्यंत। आणि ही जो प्रोग्राम लागलेला आहे मान्य राज्य निवडणूक आयोग यांच्या आदेशाप्रमाणे या ठिकाणी आपण आरक्षणाची सोडत करून आलो। या ठिकाणी जो बेस डाटा ठेवलेला आहे तो 2011 जनगणनेनुसारच या ठिकाणी अजूनपर्यंत आपण काम करून आलो। आणि त्या हिशोबाने सगळे जे आरक्षण आज सायंकाळपर्यंत आपल्याकडे सगळ्यांच्या अध्यावर रिपोर्ट येऊन जाते। त्या हिशोबाने आपण माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांना आपण आरक्षण संबंधीचा अहवाल सादर करू। आजच्या ज्या सुरतीचा जो भाग आहे त्याच्यावरही आपण प्रसिद्ध करून 9 तारखेला माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार आणि त्यानंतर मग 9 तारखेपासून तर 13 तारखेपर्यंत या ठिकाणी यांच्यावर ऑब्जेक्शन घेण्याची मुदत आहे आणि त्याची सुनवाई ही दिनांक 16 तारखेला माननीय एच डी साहेबांकडे राहील। आणि त्यानंतर मग पूर्ण जे काही सुधारणा ज्यामध्ये होईल त्या हिशोबाने त्या आपण अंतिम प्रसिद्धीची ही दिनांक 21 जूनला ही राहील। आशीष जायसवाल ने चुनाव पर दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा कि चुनाव एक नेचुरल प्रक्रिया है, सभी को दिखाकर मतदान करना चाहिए, बस इंडेफिनेट वालों को गुप्त मतदान रहते हैं। सभी साथ रहने से बातचीत होती है, कोई भी विधायक घोड़ा बाजार करके खुद का नाम डुबाना नहीं चाहेगा। नहीं, चुनाव है तो एक नेचुरल प्रक्रिया, देश के हर राज्य में जब इलेक्शन ऐसे तो इलेक्शन हमेशा अनुपोजी हुआ है और वैसे भी दिखा के वोट करना सिर्फ इंडिपेंडेंट वालों को गुप्त मतदान है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नेचुरल प्रक्रिया है और सब कहीं आखिरी में कोई फ्लाइट ना छूट जाए, कोई पहुँच नहीं पाया, कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, इसलिए 2-3 दिन पहले बुला लेते ताकि सब लोग साथ में रहते तो एक दूसरे से संवाद होता है, बातचीत होती है, अच्छा एटमोसफियर रहता है, कोई घोड़े बाजार नहीं होता। आज तक मैंने 25 साल में कभी देखा नहीं किसी भी चुनाव में, और चुनाव हो रहा है कोई भी एमएलए कोई अपने वोट के बदले में पैसे मांगेगा तो एमएलए की वो नेता के सामने इज्जत क्या देंगे, चाहे वो दोनों पार्टी से किसी से भी हो। ये देखो जनता वोट देती है और उस वोट से हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमारे कमिटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रोजेक्ट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इशू पेंडिंग है उसको उस पर डिसीजन होना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई घोड़े बाजार होता है छोटे से चुनाव के लिए, एक राज्यसभा की सीट के लिए कोई घोड़े बाजार करेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। बिना मतलब की बदनामी करना, बिना मतलब की इस बात का प्रोपेगेंडा करना, इसको कोई अर्थ नहीं है। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।